अभी देखिए एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले इसके अंदर वायरलेस कनेक्ट हुआ पड़ा है, जिन्होंने गाड़ी परचेज की है उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, लोग जैसे एड ब्लू से डरते हैं, डीईएफ से, देखो एक बार डालने के बाद 9020 किलोमीटर चलेगा, ये आप इसके क्लस्टर में मीटर के अंदर एमआईडी में देख सकते हैं कि कितना एड ब्लू लेवल आपका है और कितना ऑयल आपका चलेगा, क्या रेंज बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव और आज हम देख रहे हैं इसुजू वी क्रॉस, ये जेड प्रेस्टीज है, ऑल न्यू है, अपडेशन के बाद शोरूम पे आज ही इसे अनवील किया गया है और गाड़ी आपके सामने है। 30,96,000 एक्स शोरूम प्राइस आ जाते हैं हरियाणा फरीदाबाद के अंदर, बाकी स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। अब इसके प्राइस एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जैसे कि 30,96,000 एक्स शोरूम है हरियाणा फरीदाबाद, ये ऑन रोड तकरीबन 36 लाख के आसपास जाके पड़ेगा। गाड़ी आपके सामने है, जेड ब्लैक एडिशन है, अपडेशन है, फ्रंट बम्पर आप पूरा चेंज देख रहे होगे, यहाँ रेडिएटर ग्रिल पे काफी चेंजेस आप देख रहे होगे, इसुजू की बैजिंग, ये पूरा ग्लोसी ग्रे ट्रीटमेंट दिया गया है, नीचे लोअर लिप दी गई है सिल्वर कलर की और बम्पर को ना थोड़ा अग्रेसिव लुक दी गई है फ्रंट से, कि गाड़ी और अग्रेसिव लुक दे फ्रंट से जब आप देखें। बाकी इसमें जो फॉग लैंप है ये हैलोजन बेस है, ऊपर हेडलैम्प यूनिट आपको एलईडी बेस मिलेगी, सिंगल प्रोजेक्टर दिया हुआ एलईडी बेस लो बीम हाई बीम के लिए, इंडिकेटर यहाँ पे है कि आपको डीआरएस मिल जाएंगे, इंडिकेटर और डीआरएस दोनों चीजें अलग दी गई हैं। यहाँ से फ्रंट से गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, तो थोड़ा ना पहले जो वी क्रॉस आ रही थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गाड़ी में अपडेशन करके काफी लुक गाड़ी का अच्छा कर दिया गया। साइड प्रोफाइल पाएंगे तो मैं इसका बता दूं, इस ट्रक सेगमेंट में इसको मैं आपको हाइलक्स से ज्यादा लेंथ मिल जाती है, व्हील बेस हाइलक्स से ज्यादा मिल जाता है, हाइट में थोड़ा फर्क आ जाता है, हाइट में शायद हाइलक्स आगे निकल जाता है बट विड्थ में आपका वी क्रॉस ही आगे रहेगा। यहाँ जेड ब्लैक अलॉयज कर दिए गए हैं, ये जो क्लैडिंग है ये ग्लोसी ब्लैक पूरा दे दिया गया आपको, जेड ब्लैक अलॉय, फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स दिए गए और टायर साइज की बात करें इसमें 255/60/18 का टायर साइज दिया गया है। फुटरेस्ट मिल जाएंगे, वी क्रॉस की बैजिंग है दोनों डोर्स पे, ड्राइवर को ड्राइवर पे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्टेबल ओआरबीएम मिलेंगे विद इंडिकेटर, गार्निश डोर हैंडल्स दिए गए हैं, बी ब्लैक है, ए बॉडी कलर दिया हुआ, रूफ रेस पहले इसमें हमें वो कुछ कुछ सिल्वर मिला करते थे, अब इसमें ग्रे और ब्लैक का ट्रीटमेंट दिया गया। यहाँ आपका फ्यूल टैंक होगा, 4x4 की बैजिंग मिलेगी दोनों रियर फेंडर्स पे देखने के लिए, जैसे मैंने बताया रियर, यहाँ में ड्रम ब्रेक्स दिए गए, वहीं आप इसके जब रियर लुक पाएंगे तो जो टेल लैंप है वो स्मोकी लुक दे दी गई है, एलईडी बेस्ड टेल लैंप है बट स्मोकी लुक दिया गया, ये एलईडी टेल लैंप होगा, ये आपका स्टॉप लैंप, इंडिकेटर यहाँ, रिवर्स लाइट यहाँ, जेड प्रेस्टीज की बैजिंग दी गई है DDI, इसुजू की बैजिंग यहाँ पे इसुजू D-Max इन्होंने मेंशन किया, दो पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए गए हैं और यहाँ आपका रिवर्स कैमरा दिया गया, ये भी गार्निश में दिया गया जो डेक के लिए इसका डोर हैंडल है, यहाँ आपका डेक मिल जाएगा, डेक में बेड लाइनिंग आप लगवा सकते हैं, दोनों तरफ 4x4 की बैजिंग है, ये क्लैडिंग हो गई आपकी गार्निश में, रियर जैसे मैंने बताया ड्रम ब्रेक्स है, बॉडी कलर ए पिलर है बाकी BC ब्लैक दिया गया, यहाँ पे ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, गार्निश डोर हैंडल है और इस साइड भी वी क्रॉस की बैजिंग दी गई है। भाई ये तो हो चुका पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, उससे पहले की दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की स्मार्ट की मिल जाएगी हमें, इसुजू की बैटरिंग है, लॉक अनलॉक के बटन और फिजिकल की के लिए यहाँ बटन दिया हुआ, इसे प्रेस करके आप इसकी फिजिकल की निकाल सकते हैं, ये इसुजू की बैजिंग मिल जाएगी। अच्छा, जैसे बताया था मैंने गार्निश डोर हैंडल है, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ, को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया हुआ इन्होंने, यहाँ वी क्रॉस की बैजिंग मिल जाएगी, ये भी थोड़ा सा ग्रे कलर में दी गई है अलग से, और यहाँ एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं, ये आपको फुटरेस्ट वगैरह कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये भी ठीक है, प्लस पॉइंट है कि एसेसरीज के लिए जाना, और इसमें काफी चीजें जैसे मैंने आपको एक्सटीरियर में दिखाई कि आफ्टर मार्केट वाला खेल खत्म कर दिया पूरा, यहाँ काफी चीजों से आप बच जाओगे बाहर जाने से, बाकी अपडेशन एक ऐसी चीज है, मॉडिफिकेशन आप कितनी भी करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ अंदर आएंगे तो चारों डोर विंडोज पावर दी हुई है, इधर ये कोई इल्यूमिनेट नहीं दिया हुआ बट ड्राइवर साइड वन टच अप वन टच डाउन ऑटो दिया हुआ है, यहाँ पे विंडो लॉक के लिए, ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, चाइल्ड लॉक के लिए बटन जो होते हैं, यहाँ पे डोर ओपनर गार्निश में दिया हुआ है, लॉक अनलॉक का गार्निश में दिया हुआ है, पैसेंजर जो ड्राइवर ट्रिम आर्मरेस्ट है ये सॉफ्ट टच में, बाकी ऊपर का ये पूरा वही हार्ड प्लास्टिक में, स्पीकर है नीचे, वाटर बॉटल स्पेस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स और लेदरेट सीट्स दी गई हैं इसके अंदर, और यहाँ कॉर्निंग एयरबैग्स भी हैं,
एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। यहाँ पे ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैंडल भी दिया हुआ है, ऑटो वेरिएंट है जैसे मैंने बताया आपको। ये आपका बोनट खोलने के लिए, फ्यूल लाइट खोलने के लिए, ये अच्छा स्पेस दिया हुआ है। आप वॉलेट वगैरह या टिकट वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल है इस जगह पे, ये ORBM कंट्रोल यूनिट है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और रिएक्टेबल के लिए। ये आइडल ऑन ऑफ, ये हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ है। ये कप होल्डर होगा आपका, जिसे आप एक्सट्रे के लिए यूज कर सकते हैं, बट यहाँ इन्होंने मना करा हुआ क्योंकि ये बाहर नहीं निकलती। बाकी इस तरह से आप इसे कप होल्डर के लिए यूज कर सकते हैं। AC वेंट के अंदर भी गार्निश ट्रीटमेंट इन्होंने दिया हुआ। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने ये ग्रैब हैंडल्स दिए हैं एंट्री लेने के लिए अंदर। ट्रैक्शन ऑन ऑफ में आपको दिखा चुका, चलते हैं गाड़ी के अंदर। देखिए ये बटन अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ इसका क्या यूज है। तो भाई मैं आ चुका हूँ Isuzu V-Cross Z Prestige के इंटीरियर के अंदर। गाड़ी के अंदर बैठे हुए हम, गाड़ी का इंटीरियर देख लो पहले, काफी कुछ चेंजेस हो चुका है। जैसा टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है और 8 स्पीकर्स दिए हुए हैं इसके अंदर। ऐसे ही कुछ अपडेशन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट पहले स्टेयरिंग देख लो। स्टेयरिंग पे लेदर रैप किया हुआ है, 3-स्पोक स्टेयरिंग है और ये पूरा हॉर्न दिया हुआ है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे स्टेयरिंग एडजस्टमेंट दी हुई है, स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया हुआ। तो भाई ये तो हो चुकी है आपकी स्टेयरिंग एडजस्टमेंट। अब आप स्टेयरिंग देख लीजिए, लेदर रैप स्टेयरिंग है, 3-स्पोक में दिया हुआ है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दिए हुए हैं, यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी हुई है इस जगह पे, Isuzu का लोगो है। 3-स्पोक में स्टेयरिंग है, पूरा रैप है। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल है, ये आपका फॉग लैम्प ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल दिए हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ इस तरह का मिलेगा, एक बार आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। मैंने ऑफ कर दिया, ये CU लिखा आएगा जब आप ऑफ करोगे, और जब हम इसे ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसका ऑन होगा। ये आप देख सकते हो RPM स्पीड मीटर, बीच में MID दी हुई है जिसमें ट्रिप ए ट्रिप वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ दिया हुआ है इस जगह पे, देख पा रहे होगे आप ये रहा, और मीटर पूरा देख सकते हो किस तरह से दिया हुआ है। यहाँ वाइपर कंट्रोल्स हैं लेफ्ट में कुछ इस तरह से। यहाँ आपको डैशबोर्ड व्यू आ जाएगा। यहाँ स्पीकर दिए हुए हैं इस जगह पे, टोटल 8 स्पीकर हैं। थोड़ा सा यहाँ भी स्पेस मिल जाता है आपको इस जगह पे। अच्छा ये जैसे मैंने आपको मीटर दिखाया, मीटर के कंट्रोल्स यहाँ दिए हुए हैं। ये आई बटन जो दिख रहा है आपको, इसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका ये इंस्टेंट माइलेज वगैरह एवरेज वगैरह देखने के लिए मिलेगी। यहाँ एवरेज स्पीड वगैरह डिस्टेंस देख सकते हो आप। यहाँ पे एल स्पीड वगैरह डिस्टेंस वगैरह भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये रेंज है 105 किलोमीटर जितना इसके अंदर डीजल है। ये आपका DPD लेवल के लिए है। यहाँ एड ब्लू लेवल भी आपको देखने के लिए मिलेगा, रेंज वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। बाकी ये ब्लू लेवल के जो ब्लू ऑयल होता है, एड ब्लू होता, उसकी रेंज दिखा रहा है कि इतना चल सकता है। जैसे मैंने अभी दिखाया ना आपको, ये रहा एड ब्लू की लेवल की जो रेंज है वो 9020 किलोमीटर, देखा जाए तो अच्छी रेंज है। यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ, ये रहा इस तरह से कैप है, कवर्ड किया हुआ है पूरा। इधर ग्लोब बॉक्स डुअल दिए गए हैं, एक ग्लोब बॉक्स आपको ऊपर मिल जाएगा, एक यहाँ नीचे दिया हुआ है। स्पेसियस ग्लोब बॉक्स है, यहाँ हजार लाइट का बटन है। 9 इंच की टच डिस्प्ले दे दी है। एंड्रॉइड ऑटो आप देख रहे हो कनेक्ट है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों चीज कनेक्ट मिलेगी। साइड में AC वेंट है, ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी हुई है, बीच में MID दी हुई है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट की। यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ इस जगह पे। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। गियर लीवर कुछ 6 गियर के साथ आपको इस तरह का मिलेगा, टॉक कन्वर्टर के साथ। यहाँ शिफ्ट लॉक का बटन मिल जाएगा, इससे आप मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हैं प्लस माइनस पे। इस साइड आपको ये शिफ्ट करनी होगी। यहाँ पे आपका 4 व्हील के कंट्रोल्स हो गए, 4 हाई 2 हाई 4 लो। यहाँ पे आप इसे अपने ड्राइव मोड पे डाल सकते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक्स दिए गए, 2 कप होल्डर। स्टोरेज कुछ इस तरह की मिलेगी, आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज दी गई है। सॉफ्ट टच है बट स्लाइडेबल नहीं दिया हुआ। ग्लोब बॉक्स में दिखा चुका आपको, डुअल ग्लोब बॉक्स है। यहाँ पे ऊपर आएंगे, मैनुअल डिमिंग IRBMs दिए हुए हैं। यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, हाइलोजन बेस 2 रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी। ये आप ऑन ऑफ करके इससे भी ऑन कर सकते हैं और अलग अलग एक लाइट भी आप ऑन कर सकते हैं। इधर वेंटीमीटर दिया हुआ है, सन वॉइजर में लाइट वगैरह तो नहीं दी हुई बट वेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ टिकट होल्डर दिया हुआ है बाहर की तरफ, अंदर कुछ नहीं दिया हुआ। ग्रैब हैंडल दोनों तरफ है, यहाँ भी ग्रैब हैंडल दिए गए दोनों ए पिलर्स के अंदर। बाकी पूरा ड्राइवर फ्रंट तो यही है। एसेसरीज मोड इसका ऑफ कर देता हूँ और चलते हैं एक बार पैसेंजर सीट्स पे। अब आ जाते हैं पैसेंजर सीट्स पे। तो यहाँ जैसे ही मैं पैसेंजर डोर ओपन करूंगा, यहाँ पूरा ब्लैक
मैट ब्लैक और ब्लैक के साथ इंटीरियर दिया हुआ है इसका। यहाँ डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्रीम आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। नीचे वाटर वाटर स्पेस है, स्पीकर दिया हुआ है और यहाँ पे भी आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। सेकंड रो के लिए लाइट मिल जाती है, ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं। बीच में आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर, सीट आप रिक्लाइन कर सकते हैं, स्प्लिट सीट्स दी हुई हैं इसमें 60-40। और यहाँ पे USB चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये रहा पैसेंजर के लिए 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ, 12 वोल्ट का नहीं मतलब USB चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ, रीडिंग लाइट है, बाकी ग्रैब हैंडल्स दोनों तरफ दिए हुए हैं। ये आपका डेस्क स्पेस हो गया यहाँ पे। इसमें आपको बेड लाइनिंग मिल जाएगी, बेड लाइनिंग आप इंस्टॉल करा सकते हैं शोरूम से, वो आफ्टर मार्केट मतलब आफ्टर सेल आप परचेस कर सकते हैं। वहीं बोनट ओपन करेंगे तो इंसुलेशन पैडिंग दी हुई है जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है, वाइब्रेशन और नॉइस को काफ़ी कंट्रोल करती है। 4 सिलेंडर इसमें, कॉमन रेल VGS टर्बो इंटरकूल्ड इंजन मिलेगा आपको डीजल के अंदर, जो कोई पावर प्रोड्यूस करता है 161 BHP की और टॉर्क जनरेट करता है 360 Nm का। 4 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक 6 गियर के साथ मिलेगा आपको टॉर्क कन्वर्टर के साथ। टर्बोचार्ज इंजन है और 22 का लेंथ विड्थ हाइट तो मैं बता चुका, 55 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर दिया हुआ है और जो डैकिंग कैपेसिटी है वो आपको वीडियो में देख सकते हैं, सारी चीज़ें उसी के बारे में बताई गई है। तो भाई ये था आपका Isuzu V-Cross Z Prestige का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। अपडेशन के बाद गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, गाड़ी आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन देके जा सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।